नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बीदर के मौसम में पिछले चार दिनों में बदलाव देखने में आया है। हालांकि बारिश और ठंडी हवा से मौसम हुआ सुहाना। बीदर में संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लॉकडाउन किया जाए, सरकार वक्त रहते कदम उठाए, अरविंद कुमार अर्ली। बीदर नगरसभा चुनाव के नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन उम्मीदवार अपने अपने नामांकन दाखिल करने की होड़ में लगे रहे। बीजापुर के गोल गुंबज पुलिस के हत्थे चढ़े 5 वाहन चोर। दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं स्थगित, समीक्षा जारी। रामगोपाल वर्मा ने महाकुंभ पर कसा तंज, बोले कर्म धोने के लिए लगाई डुबकी और आशीर्वाद। अब समाचार विस्तार से। बीदर में अप्रैल माह के शुरू होते ही अनुमान लगाया जा रहा था कि गर्मी चरम पर रहेगी, लेकिन जैसे ही अप्रैल का माह शुरू हुआ वैसे ही मौसम में अचानक बदलाव आया है। पिछले कुछ दिनों से बादलों का जमा होना और शाम के समय बरसने के कारण तापमान में गिरावट होकर लोगों को धूप और गर्मी से राहत मिली है। बीदर में हर दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या 200 के पार हो रही है। इसके साथ साथ मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। महामारी के प्रकोप को देखते हुए सरकार से बीदर में लॉकडाउन लागू कराने की अपील विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अर्ली ने की। उन्होंने कहा, बीदर में संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार जल्द से जल्द संक्रमणों को नियंत्रण में करने के लिए वक्त रहते कदम उठाए। सरकार को चाहिए कि बीदर में लॉकडाउन घोषित करे, लेकिन इससे पहले गरीब और मजदूर जैसे अन्य लोगों को सहूलतें उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि वक्त रहते कदम नहीं उठाए गए तो हालात गंभीर हो सकते हैं। बीदर नगरसभा चुनाव के नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने में रहे मसरूफ। पिछले दो दिन से छुट्टी रहने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए गए थे। इसके अलावा शहर में कई वार्ड में नए रिजर्वेशन हुए हैं। इसके तहत कई पार्टियों से टिकट मांगने वालों की बड़ी कतार रही। इसमें विभिन्न पार्टियों के वफादार कार्यकर्ताओं को टिकट न मिलने पर नाराज हुए तो कोई पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होकर टिकट हासिल करने में सफल रहे। इस दौरान जिनको टिकट नहीं मिला उनमें अपने नेताओं की आलोचना करने का सिलसिला चलता रहा। बीदर नगरसभा चुनाव में 35 वार्डों के लिए सभी पार्टियों द्वारा उम्मीदवार उतारे गए, जिसमें कांग्रेस, भाजपा, जेडीएस और एमआईएम सहित बहुजन समाज पार्टी भी शामिल है। बीजापुर गोल गुंबज दरवाजा पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके 13 मोटरसाइकिल और 2 ट्रक चोरी के बरामद किए हैं। इस मामले को दर्ज कर न्याय की हिरासत में भेजा गया है। इस अवसर पर बीजापुर एसपी ने बात करते हुए शहर में हो रहे चोरी के मामलों के संबंध में बताया है। ಬೈಕ್ ಆಫೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರು ಈ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಆರೋಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾರು ಈ ಸ್ಟೋಲನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಆರೋಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಲಾರಿ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಿಕವರಿ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾರಿ ಅವರು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅದರದ್ದು ನಾವು ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೈಕ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಲಿ, ಯಾದಗಿರಿ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಶೋಲಾಪುರ್ ಈ ಕಡೆ ಜತ್ ಕಡೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆರಾಮವಾಗಿ ಇವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅವರು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ದ್ಯಾಟ್ ಯಾರು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟನ್ನು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳುವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂತ್ರಿ ಕೋವಿಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕಾಲಾಬಜಾರಿ ಕನ್ನೆ ವಾಲೋಕೆ ಖಿಲಾಫ್
सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने दी है। बताया जा रहा है कि कोविड 19 के इलाज के लिए महत्वपूर्ण इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी की खबरों पर कर्नाटका के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, इस प्रकार के कालाबाजारी करने वालों को सहन नहीं किया जाएगा। केपी न्यूज में अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आपके अपने शहर, राज्य, देश और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए, देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए और सुबह से लेकर रात तक आपके मनोरंजन के लिए, कानून से जुड़ी समस्याओं के उपाय जानने के लिए और हेल्थ से जुड़ी बातों को जानने के लिए, देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24x7। वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बीए बीकॉम बीएड बीदर शहर में बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, जहां विशाल कक्षाओं और सुखद वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा का उचित प्रबंध और मॉडर्न लेबोरेटरी की सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। एक्सपर्ट्स टीचर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सचिव दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और कई पुरस्कारों से सम्मानित शैक्षिक केंद्र वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बीए बीकॉम बीएड विद्यानगर बीदर। फोन नंबर 855-000-1972। दुनिया जिस भूख प्यास से डरती है, इस्लाम ने उसे इबादत बना दिया। क्या खूब इबादतें बख्शी हैं तूने एक इबादत रोजे में ए अल्लाह, सब्र भी, शुक्र भी, फिक्र भी, जिक्र भी, नेमत भी, रहमत भी, जन्नत भी। कमाले जब्त देखना है तो मुसलमान का देख, जो रोजे में वजू का पानी मुंह में लेकर भी नहीं पीता। मांग लो गिड़गिड़ा के खुदा से, अभी मगफिरत सस्ती है। कहते हैं रमजान में आसमान से रहमत बरसती है। किसी के अच्छे दिन आए या ना आए, हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं, रमजान। रूह जब तन से जुदा हो, माहे रमजान दिन जुमा हो, तुम उधर जलवा नुमा हो, इस तरफ से यह सदा हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, वसलवातुला अलैका, वसलवातुला अलैका। आने वाला रमजान आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। दुआ है खुदा से कि ये रमजान आपके जिंदगी का सबसे अच्छा रमजान गुजरे। दुआ की दरखास्त, रमजान मुबारक। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। महाराष्ट्र में कोरोना से जूझ रहे एक मरीज के बेटे ने कहा, बेड दो नहीं तो मार दो। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अस्पताल में बेड नहीं है। सागर किशोर नाहर से तिवार नाम के एक व्यक्ति ने एक दिन में महाराष्ट्र और तेलंगाना दोनों राज्यों के बीच इलाज के लिए कई चक्कर लगाए। इलाज न मिलने पर अपने बीमार पिता का दुख न देख पाने के कारण उसने कहा कि मेरे पिता को या तो किसी अस्पताल में बेड दिया जाए या उन्हें मार दिया जाए। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए हाल ही में CBSE की 10वीं परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं, जिसके बाद अब ICSE बोर्ड परीक्षा 2021 को भी स्थगित या रद्द किए जाने की चर्चा तेज हो गई है। विद्यार्थियों के साथ उनके पेरेंट्स और टीचर्स भी CISE बोर्ड परीक्षा 2021 को स्थगित और रद्द करने की मांग शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और अन्य नेताओं से सोशल मीडिया चैनल्स पर कर रहे हैं संपर्क। दिल्ली हाईकोर्ट ने रमजान के दौरान निजामुद्दीन मरकज में 5 वक्त नमाज के लिए एक वक्त में कम से कम 50 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी है, लेकिन यह इजाजत तय गाइडलाइंस और SOP के अधीन होगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका पर अदालत ने दिए यह निर्देश। हालांकि रमजान के माह में अक्सर मस्जिदों में नमाजियों की संख्या अधिक होती है।
रामगोपाल वर्मा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। कुंभ मेले के शाही स्नान में शामिल होने वाले लाखों लोगों में 100 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव आने के बाद फिल्म डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने ट्वीट कर तंज कसा है। देश में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से हाहाकार मचा दिया है। मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ते आंकड़े ने सभी को परेशान कर दिया है। इसी बीच कुंभ मेले का शाही स्नान और चुनावी रैलियां भी जमकर हो रही हैं। भारी संख्या में भीड़ जहां देखने को मिल रही है, इस भीड़ को देखने के बाद अब फिल्म डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने ट्वीट कर तंज कसा है। रामगोपाल वर्मा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। कुंभ मेले के शामिल होने वाले लाखों लोगों में 100 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव आने के बाद फिल्म डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने ट्वीट कर तंज कसा है। उन्होंने दो ट्वीट शेयर किए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कुंभ मेले में डुबकी लगाने वालों को ताना मारा है और दूसरी में वैक्सीन बनने और लगने की मेहनत के खराब होने की बात कही है। बीदर के मौसम में पिछले 4 दिनों में बदलाव देखने में आया है। हालांकि बारिश और ठंडी हवा से मौसम हुआ सुहाना। बीदर में संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लॉकडाउन किया जाए, सरकार वक्त रहते कदम उठाए, अरविंद कुमार अर्ली। बीदर नगर सभा चुनाव के नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन उम्मीदवार अपने अपने नामांकन दाखिल करने की होड़ में लगे रहे। बीजापुर के गोल गुंबज पुलिस के हत्थे चढ़े 5 वाहन चोर। दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं स्थगित, समीक्षा जारी। रामगोपाल वर्मा ने महाकुंभ पर कसा तंज, बोले कर्म धोने के लिए लगाई डुबकी और आशीर्वाद। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। मैं अश्विनी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी देश प्रदेश के अन्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज। धन्यवाद।